ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान है, लास्ट टाइम में मैंने आपको एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बताया था। जो कृषि विविधीकरण है वो हमने किया था। कृषि विविधीकरण में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक एग्रीकल्चर है, कुछ फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जो बेसिक एग्रीकल्चर है उससे टर्न कर रहे हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी बेसिक एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, तो वो क्या क्या, जैसे डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बागवानी हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, या वो जैसे फिशरीज है, फिशरी जो मछली पालन है उसकी तरफ जा रहे हैं, या जो हेचरी है मुर्गी पालन है उसकी तरफ वो जा रहे हैं। तो ये कहता है कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन आज की डेट में अगर देखें, वो अलग अलग तरह के बिजनेस कर रहे हैं, या एक ही जगह से दो दो फसलें ले रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग जिसे कहा जाता है, अलग अलग तरह की फसलें उगा रहे हैं। मेन जो अगर देखें मुख्य तौर से, वो इस तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं नकदी ज़्यादा प्राप्त हो। तो ये कहता है कि इसमें अगर देखा जाए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में, वैसे तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा एक नया चेंज है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को अगर देखा जाए, हमारे सामने एमर्जिंग इश्यूज आते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ उभरते हुए पर्सन और समस्याएं हमारे पास आ जाती हैं इससे रिलेटेड। कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे पहले आता है सोशल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ये है आपका सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध, ये आ जाते हैं। अब सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध हैं क्या आपके, सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध हैं क्या, सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध हैं जिसमें हमारे यहां अगर देखें बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं जो छोटे किसान हैं, बहुत सारे आपके मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, सीमांत किसान भी हैं। अब छोटे किसान जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, जिनके पास कृषि करने के लिए कम ज़मीन उपलब्ध है, तो ये कहता है जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत कम बचत होती है, जिनके पास थोड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ अगर देखा जाए, वहाँ ये कहता है कि उस केस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, उस केस में कुछ सोशल सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध आ जाते हैं। पहली चीज़ तो जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आर्थिक प्रतिबंध में बता रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स में, कि उनके पास या तो इतना पैसा नहीं है और साथ में उनके पास टाइम भी नहीं है, ना तो उनके पास पैसा है इतना कि वो नई चीज़ों को सीख सकें और अपने यहाँ अप्लाई कर सकें, क्योंकि थोड़ी ज़मीन वैसे ही है उनके पास पहले से ही, ना ही उनके पास उन चीज़ों को सीखने के लिए समय है। तो ये कहता है एक तो आर्थिक समस्या ये आ जाती है, आर्थिक प्रतिबंध ये आ जाता है। दूसरा ये कहता है कि कुछ यहाँ पर अगर देखें, एक समस्या और भी आ जाती है कि विविधीकरण तो हो सकता है, अब हो सकता है कोई हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर दे, जैसे मान लो कोई अपने यहाँ फ्रूट्स का प्रोडक्शन ही स्टार्ट कर देता है, तो समस्या ये आती है, पर्सन ही उठता है, हम केवल ये पर्सन उठा रहे हैं कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन अगर किया जाता है तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो ये कहता है कि अगर मान लो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो अगर कोई फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है, तो क्या फ्रूट्स का प्रोडक्शन करने पर उसको फ्रूट्स का अच्छा प्राइस मार्केट से मिल सकता है। दूसरा हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्या कि हमारे पास ये जो सामाजिक प्रतिबंध है इस तरह के आ जाते हैं कि जो विविधीकरण है, विविधीकरण में अगर देखा जाए ना, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे फिशरीज हैं, मछली पालन है, जैसे हमारे पास अगर देखा जाए एक आपका मैंने हेचरी बताया था जो मुर्गी पालन है, इसमें अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ इन चीज़ों को अच्छा ही नहीं समझा जाता, सोशली इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता,
तो ये कहते हैं इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध के रूप में। एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, ये है आपका तकनीकी प्रतिबंध। तकनीकी प्रतिबंध क्या है आपका, यानी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे यहाँ अगर देखें जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन अगर हम करें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, वेजिटेबल्स हैं, अब इनका अगर देखा जाए तो इनके लिए जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट हमारे लिए हर जगह सुटेबल नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए क्वालिटी की, जहाँ तक बात है क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, फॉरेन कंट्रीज़ में इरिगेशन के लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सिंचाई के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे वहाँ पर अगर देखें वहाँ पर फवारा खेती की जाती है, फवारों से खेती की जाती है, यानी टेक्नोलॉजिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस अभी तक नहीं आई है। अब उतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हमारे यहाँ नहीं आई है तो फिर हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा पाएंगे, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है। एक हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स का। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे पास, ये हैं जो आपके आधारिक प्रतिबंध हैं। आधारिक प्रतिबंध से अर्थ यहाँ पर ये है कि हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन करने के बाद उनके स्टोरेज की भी फैसिलिटी चाहिए हमें। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है हम यहाँ पर प्रोडक्शन करें, यहाँ डिमांड ना हो, किसी अदर स्टेट में डिमांड हो सकती है, तो वहाँ पहुँचाने के लिए अच्छे रोड्स हमें चाहिए। दूसरा, हमें पावर यानी कि बिजली भी चाहिए अच्छी, इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ये सारी की सारी पूरी ही नहीं हो पा रही है हमारी। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो आपके ये पूरी होना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी उपलब्ध ही नहीं है, ये सारी की सारी उपलब्ध नहीं है। तो ये कहता है कि इनकी पूर्ति कैसे की जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो आधारिक प्रतिबंध जो हैं, जो आधारिक संरचना में जो हमारे पास प्रतिबंध आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमारे पास ना तो अच्छी सड़कें हैं, प्रोडक्शन तो कर लेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, प्रोडक्शन करने के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाएंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हमारे पास अच्छी मार्केट्स नहीं है, उसके बाद हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज अगर देखा जाए ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जैसे फ्रूट्स हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, अब वो नहीं है। तो ये कहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। एक हमारे पास है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में क्या है, जो भौतिक प्रतिबंध हैं वो भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब भौतिक प्रतिबंध क्या है, भौतिक प्रतिबंध का क्या है कि हमारे सामने भौतिक प्रतिबंध भी हैं, जैसे जैसे ये कहता है कि हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन जो लैंड है वो हर जगह सेम नहीं होती, जो वाटर है वो वाटर हर जगह का सेम नहीं होता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक आइटम का प्रोडक्शन एक फ्रूट का एक जगह हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लैंड की जे अगर देखें जो सोयल है हमारे पास, सोयल हर जगह अलग अलग है, मिट्टी जो है, वाटर जो है, वाटर की क्वालिटी हर जगह अलग अलग है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी अगर देखा जाए, क्लाइमेट भी अगर हर जगह डिफरेंट है, तो भौतिक प्रतिबंध भी हमारे पास बहुत हैं, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, उनको सोल्व कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट डे में अगर हम देखेंगे कि इनका समाधान क्या किया जा रहा है, जो ये हमारे पास जितने क्वेश्चन आए हैं, जो 5 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इनका समाधान कैसे किया जाए।